वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बैठे हैं TMJ की प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए डेंटल एक्सपर्ट्स के साथ में, और उनसे बात करते हैं इसके सोल्यूशन के बारे में। वेलकम सर, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए सर, शुक्रिया, और समय भी देने के लिए। और सर ये बताइए, TMJ की प्रॉब्लम के बारे में आप पहले भी हमें बता चुके हैं और हमारे व्यूअर्स ने वीडियोज़ भी देखे हैं, और उसके संबंध बहुत सारे उनकी क्वारीज भी अभी भी हैं, और अभी भी बहुत सारे क्वारीज दर्द से जुड़ी हुई है उनके। ये जो जॉइंट है यहाँ पर जिसमें कटकट की आवाज़ आती है, ये अभी भी उनकी वैसी की वैसी समस्या है, और क्लियर उनको ये नहीं हो पा रहा है इसमें कि आखिर वो कैसा ट्रीटमेंट लें जो प्रॉपर सोल्यूशन हो, जिसमें ये समस्या उनकी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो उसके कुछ क्वेश्चंस भी मैंने नोट किए यहाँ पर उनके व्यूअर्स के, जिसको मैं वन बाय वन आपसे पूछता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन उन्होंने मुझे लिखा है कि मुझे दर्द नहीं है, आवाज़ आती है, तो मैं क्या करूँ? दर्द नहीं है, आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो TMJ जॉइंट है, उस जॉइंट के बीच में जो डिस्क होती है, वो डिस्क अभी आपके दोनों बोन के बीच में दब नहीं रही है, लेकिन वो लूजनिंग वहाँ पे डेवलप हो गई है। तो जब आप बोलना चाहते हैं या ओपनिंग माउथ की होती है, तो वो जो मैंडिबल की बोन है वो सॉकेट से बाहर आती है और अंदर जाती है, इसके लिए आपको आवाज़ फील हो रही है। इस कंडीशन में अगर वो दोनों बोन के बीच की डिस्क दोनों बोन में दब जाएगी तो आपको पेन होना शुरू हो जाएगा। ओके। तो इस दशा में आपको चाहिए कि माउथ ओपनिंग हमेशा शॉर्ट ही रखें, बड़ा मुंह ना खोलें, जिससे कि वहाँ पे तनाव डेवलप हो और वो डिस्क है डिसलोकेट हो जाए। ये दशा रहेगी, आप प्रिकॉशन लेंगे तो कुछ समय बाद हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ये अपने आप ही सॉल्व हो जाए और आपको ये आवाज़ भी आना बंद हो जाए। ओके। नेक्स्ट सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि मुझे सुबह के समय पर मेरे इस जॉइंट में आवाज़ आती है, तो क्या ऐसा कुछ है कि सुबह के समय ही आवाज़ आती है, बाकी समय नहीं है? अब नेचुरली जब हम रात में सोए हैं तो जॉ तो अपनी जगह पे फिक्स है, ओके, रुका हुआ है जी। अब कोई चीज़ रुकी भी, आप उसको मूवमेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ पे लूजनिंग है, तो जब शुरुआत हुई तो वो अपनी प्लेस बना रहा है, अपना पोजीशन में आ रहा है, तो इस वजह से आपको आवाज़ फील होती होगी। जब आप उसको मूवमेंट शुरू कर देते हैं तो वो एक रूटीन मूवमेंट उसका शुरू हो जाता है और आवाज़ आपको डिसअपियर हो जाती है, मालूम नहीं पड़ती है। आपको प्रिकॉशन वही रखना है कि आप सॉफ्ट खाना लें, ज़्यादा हैवी प्रेशर ना लगाएं, बड़ा मुंह ना खोलें। ओके। नेक्स्ट है कि खाना खाने में प्रॉब्लम है, मुंह पूरा खुल नहीं पाता है, सॉफ्ट डाइट कब तक लें हम? कब तक लेने का कोई टाइम नहीं है, बस ये है कि जब तक आपको लगे कि प्रॉब्लम मेरी कम हो रही है तो आप प्रिकॉशन और अच्छा लेंगे, जिससे वो प्रॉब्लम दोबारा से फिर ना हो आपको। और फिर जब वो लिगामेंट्स वहां पर स्ट्रांग हो जाएंगे तो फिर वो प्रॉब्लम जल्दी आएगी नहीं वहां पर। प्रॉब्लम लिगामेंट स्ट्रांग हो गए, वो अपनी पोजीशन में आ गया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो आप फिर से नॉर्मल डाइट ले सकते हैं। प्रिकॉशन हमेशा रखें तो बेहतर बात है। बहुत सारे व्यूअर्स हमें कई बार सवाल करते हैं इसी के बारे में, तो हम उनको ये भी यहाँ अपडेट कर दें सर कि जो लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट्स का मतलब होता है जॉइंट्स के जो अराउंड जो मसल्स होती हैं वो फ्लेक्सिबल मसल्स होती हैं, बहुत स्ट्रांग मसल्स होती हैं, तो उनमें अगर कभी कोई दिक्कत आती है तो उनकी हीलिंग में बहुत समय लगता है, वो इमीडिएट हील नहीं होती हैं, उनमें एक महीने का भी समय लग सकता है, कभी कभी दो महीने का भी समय लगता है। जैसे मैं एक बार मेरे यहाँ पर हाथ में ये वाला अंगूठा सर मैं गिर गया था, तो उससे ये स्ट्रेच हो गई थी, तो लिगामेंट स्ट्रेच होने से मेरे इस हाथ के इस अंगूठे में दर्द खत्म होने में लगभग 4 महीने लगे थे। तो ये लिगामेंट का स्ट्रांग होना भी इसमें एक बहुत बड़ा कॉज है इसके पीछे, तो आपको इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तो इसलिए अपनी ज्यादा केयर करनी है। ज्यादा केयर करनी है, उसमें दोबारा से ट्रामा ना हो, वहाँ पे स्ट्रेस ना हो, उस पर ज्यादा दबाव ना पड़े, दबाव ना पड़े, उसको बार बार चेक भी ना करें। मैं पिछली बार सर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, कुछ लोग ऐसे ऐसे करके ये भी चेक करते हैं ऐसे मुंह हिलाकर, तो आई थिंक सो ये भी चेक नहीं करना चाहिए। जिस पोजीशन में आपको पेन हो रहा है आप उसके पोजीशन फिर से लिए जा रहे हैं, वो चीज फिर से शुरू हो जा रही है, तो उस चीज को अवॉइड करें जिस चीज से आपको डिस्कम्फर्ट होता है। तो जॉ को इस तरीके से आप बिल्कुल ना चेक करें, कभी इस तरीके से ना हिलाएं जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे नेक्स्ट व्यूअर का कि 15 दिनों से मुझे प्रॉब्लम है, पहले सूजन थी और अब नहीं है, खाना चबाने में मुझे आवाज़ आती है, तो मैं अब क्या करूं? 15 दिनों से स्वेलिंग है, अब दर्द नहीं हो रहा है, इसके माने कि आप थोड़ा ठीक हो रहे हैं,
दवा तो SOS रहेगी, अगर आपको ज़्यादा पेनफुल है तो आप दवा लें। सॉफ्ट डाइट ही इसका सलूशन है। रिस्ट्रिक्टेड माउंट वही आ जाएगा कि आप उपथिंग हमेशा कमी रखिए, जितना प्रिकॉशन लेंगे उतने विदाउट मेडिसिन आप जल्दी सही होने की पूरी उम्मीद है। और एकदम से दवाओं पर भी नहीं डिपेंड होना है, क्योंकि इसका सलूशन प्रिकॉशंस ज़्यादा है, दवाएं नहीं है, क्योंकि आप जितना अपनी केयर करेंगे उतनी जल्दी सही होगा। बिल्कुल, हमें छोटे छोटे निवाले दोनों साइड से बराबर से चबाएं, हेवी प्रेशर ना लगाएं और वहाँ पे चोट ना लगे दोबारा से। अब सर एक सवाल जो सभी व्यूअर्स का है, और फाइनली हर बार वो उनको ये लगता है कि जब हम डिबेट करते हैं तो शायद हम सोल्यूशन परफेक्ट नहीं बता रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसका भी इसको आप क्लियर यहाँ पर करिए कि लोगों का ये क्वेश्चन है कि इसका परफेक्ट सोल्यूशन बताइए, क्या ये ऑपरेशन से ठीक होगा या कोई और तरीका है, ये आवाज़ कैसे बंद होगी, अगर हम प्रिकॉशंस बता दे रहे हैं तो प्रिकॉशंस हम कब तक लें, ये तो ऐसे बंद ही नहीं हो रही है, तो क्या क्या तरीका अपनाएं हम जैसे ये बंद हो। ये ट्रस्टेड बात है कि आप प्रिकॉशन लेंगे, केयरफुल रहेंगे, तो ये आवाज़ आना, कटकट की आवाज़ आना, पेन आना अपने आप ही बंद हो जाएगा। ओके, ये तो सिंपल बात हो गई। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है कि आप जब भी मुंह खोलते हैं बार बार वही क्वेश्चन आती है कि जवाब लॉक हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, बंद नहीं हो रहा है, स्वेलिंग बढ़ी जा रही है, गांठ बन गई है, तो इस कंडीशन में सर्जरी कराने से ही आपको इस प्रॉब्लम से निजात मिलेगी। सर्जरी आप किसी मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो होता है उसके संपर्क में जाएंगे, उससे डायग्नोसिस कराएंगे, फिर आपको वो बताएगा कि इसमें सर्जरी रिक्वायर्ड है तो आप सर्जरी करा लें, वो परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम बार बार हो रही है, आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जाल लाक हो रहा है, तो सर्जरी ही होगी। ओके, और प्रॉब्लम हुई और धीरे धीरे आपको आराम मिलने लगा, सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, तो वेट एंड वॉच वाली यहाँ पे कंडीशन लागू होगी। और अगर आपको लग रहा है गांठ बन गई है, स्वेलिंग हो गई है, जाल लाक हो गया है, बार बार डिसलोकेट हो जाता है, बार बार आपको जाके फिर से सही कराना पड़ता है, तब उस दशा में आप किसी एक्सपर्ट डेंटिस्ट से मिलेंगे और सर्जरी ही इसका सलूशन है इसका। ओके, यानी सर्जरी ही करानी है अगर ये आवाज़ ज़्यादा आ रही है। ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही, अगर बार बार डिसलोकेट हो रहा है, जॉ लॉक हो रहा है, या स्वेलिंग हो रही है, या गांठ बन गई है, चेहरा जो है टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो सर्जरी के द्वारा से परमानेंटली सलूशन हो जाएगा। आवाज़ आ रही है, थोड़ा स्वेलिंग है, दर्द हो रहा है, वो तो अपने आप ही सही हो जाता है। सर इसका संबंध एक चीज़ और भी बताइए, जैसे हम खुद एडोलेसेंट्स को देखते हैं और उनकी समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो बढ़ती उम्र होती है जिसमें शरीर का तेजी से विकास होता है, 16 से जो 19 की जो एज होती है उसमें शरीर का तीव्र विकास होता है, तो इस एज में जो हमारे शरीर में जो हड्डियाँ विकसित हो रही हैं, बड़ी हो रही हैं, तो क्योंकि हाइट बढ़ जो हमारी बढ़ती है वो 19 साल तक बढ़ती है, 19 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ती मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अनुसार, तो क्या ये जो कटकट की आवाज़ है उन युवाओं में भी हो सकती है जिनकी उम्र 17, 18, 19 के आसपास है या 20 के भी आसपास है, क्योंकि उस समय हो सकता है कि पूरा शारीरिक विकास नहीं हुआ है, तो क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसे लोगों के साथ में ये आवाज़ होती है, और उनको अगर ऐसा होता है तो उन्हें क्या सोचना चाहिए? आवाज़ आ रही है तो इसके कारण ये हो सकता है कि वहाँ पे बोन में कुछ वहाँ पे डिफॉर्मेशन हो गया है, या लिगामेंट लूज हो गए हैं, सॉकेट सही नहीं है, या चोट लग गई है, कई संभावना है, ये देखना पड़ेगा किस कारण से आपको आवाज़ आ रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, या फिर शरीर का भी विकास हो रहा है, तो डेवलपमेंट नहीं हो पाया ठीक से। हाँ, डेवलपमेंट हो जाएगा, हाँ डेवलपमेंट हो जाएगा, हो सकता है आवाज़ नहीं, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, जब सेट हो जाएगी वहाँ पे आवाज़ आना बंद हो जाएगी। एक क्वेश्चन सर उसमें और भी था हमारा व्यूअर्स का, कि उनको उनका एक एक्सीडेंट हो गया था, वो गिर गए थे और उसमें एक तो उनका शायद जॉ टेढ़ा भी हो गया था, ये फेस टेढ़ा हो गया था, तो उस कंडीशन में क्या करना है अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें जॉ टेढ़ा हो जाता है? इसमें तो सर्जरी ही होगी, जॉ टेढ़ा हो गया है तो मैक्सिलोफेशियल सर्जन सर्जरी करके उसको अपनी नॉर्मल पोजीशन में ला सकता है। ये जो आपने सर्जन का नाम बताया, शायद हो सकता है हमारे व्यूअर्स ना समझ पाए, ये सर्जन जो है वो नॉर्मल सर्जन कहलाएंगे हमारे या कोई डेंटल से रिलेटेड सर्जन है? डेंटल में भी कई ब्रांचेस हैं जो डेंटल जॉ बोन की, टूथ की और फेस की सर्जरी करते हैं, उनके एक्सपर्ट को मैक्सिलोफेशियल सर्जन कहते हैं। ओके, उन्हीं के पास जाना है। उन्हीं के पास जाना चाहिए। जनरल सर्जन तो जनरल शरीर की सारी सर्जरी करता है, डेंटल रिलेटेड फेस रिलेटेड सर्जरी मैक्सिलोफेशियल सर्जन करता है। कभी कभी सर ऐसा भी होता है किसी पेशेंट के साथ कि उन्होंने
कोई भी चीज़ खाने की कोशिश की और बड़ा मुंह खोला, या कभी कभी जमाई आ जाती है तो मुंह खुलता है, तो उस स्थिति में मुंह खुला ही रह जाता है जी। तो ऐसे में वो क्या करे और वो उसको कौन देखेगा, क्या सर्जन देखेगा और किस तरीके का सर्जन देखेगा? इस कंडीशन को जॉ लॉकिंग कहते हैं। वही TMJ में बोन डिसबेस हो गई और जॉ लॉक हो गया, कोई भी डेंटल सर्जन, कोई भी डेंटल एक्सपर्ट उस जॉ को अपनी जगह पे ला सकता है, ला सकता है। अगर आपको किसी जगह पे है वहाँ डेंटल सर्जन अवेलेबल नहीं है तो किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन की मदद ले लें, वो भी उस चीज़ को, कंडीशन को सही कर सकता है। ओके, तो आई थिंक सो कि आपके जो सवाल थे मैंने फिर दोबारा उनको बहुत अच्छे से पूछा है यहाँ पर। उसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि क्या ये प्रॉब्लम कभी ख़त्म होगी या नहीं, और अगर होगी तो किस तरीके से ख़त्म होगी, और उसका आज के इस वीडियो में जो सोल्यूशन है वो यही है कि उसके लिए हमें एक अच्छे सर्जन के पास जाना है जो कि इसको सर्जरी के द्वारा ठीक कर सकता है। और अगर आपका जॉ टेढ़ा भी है तो भी वो इस सर्जरी से ठीक हो सकता है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक सो जवाब मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। टिल देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।